कभी कभी मार्केट एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा होता है। मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाते हैं और उस रेजिस्टेंस को रेजिस्टेंस लेके डाउनफॉल करते हैं और मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर करते हैं और बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर इंतजार करते हैं कब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करे या रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जाते है और रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते है और यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख के बिगिनर ट्रेडर बाय करने का डिसीजन लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर बाय कर लेते हैं, मार्केट यहाँ पर रिवर्स होकर डाउनफॉल करते हैं और मार्केट यहाँ पर जो सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक करते हैं और यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख के बिगिनर ट्रेडर अपना पोजीशन को पैनिक में आके एग्जिट कर देते हैं। जैसे बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर अपना पोजीशन को एग्जिट कर देते हैं, मार्केट उसी लेवल से रिवर्स होकर ऊपर जाते हैं और आपकी आंखों के सामने मार्केट यहां पर लगातार बुलिश कैंडल बना के हायर हाई बना के मार्केट जो कि आप शायद रैली कर देते हैं और आपको मौका ही नहीं मिलता है पोजीशन बनाने का। आखिर मार्केट में इस तरह का मोमेंटम क्यों होता है? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी बायर एंड सेलर की ट्रैपिंग के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन होने वाला है, तो आप वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। वीडियो के माध्यम से अगर आपको कुछ सीखने के लिए मिलता है तभी आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आइए अभी समझते हैं मार्केट में इस तरह का मोमेंटम क्यों होता है, क्योंकि बिगिनर ट्रेडर को ज्यादातर गलत नॉलेज इस स्टॉक मार्केट के बारे में दिया गया है और यूट्यूब में ज्यादातर जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में गलत नॉलेज ले लेके वो बिगिनर ट्रेडर इस स्टॉक मार्केट में यही चीजें फॉलो करके प्रॉफिट करना चाहते है और मार्केट जब साइडवेज बिहेवियर करते है और किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करते है तो यहाँ पर इस ब्रेकआउट को देख के बिगिनर ट्रेडर हमेशा यहाँ पर बाई एंड सेल करने का डिसीजन लेते है और जैसे यहाँ पर बाई करते हैं तो यहाँ पर उसका स्टॉप लॉस हिट होता है। जब भी यहाँ पर सेल करते हैं तभी उस बिगिनर ट्रेडर का यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर हमेशा गलत जगह पे अपना पोजीशन को बनाते हैं, इसीलिए उस बिगिनर ट्रेडर का इस स्टॉक मार्केट में ज्यादा टाइम लॉसेस होता है। आइए अभी समझते है इस तरह का मोमेंटम मार्केट में क्यों होता है। मार्केट जब साइडवेज बिहेवियर करते है एक रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को फॉलो करके ट्रेड कर रहा होता है तो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर समझ जाते है कि बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर क्या सोच रहे। तो यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेक करेगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर जानते हैं कि बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर बाय करने का डिसीजन लेगा। जैसे यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर बाय पोजीशन बनाएगा तो प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर बहुत सारा क्वांटिटी जो कि यहाँ पर सेल कर देगा और यहाँ पर मार्केट को नीचे लेके आएगा और उस बिगिनर ट्रेडर का यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट करेगा। और यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर को ये भी पता है कि मार्केट जो यहाँ पर सपोर्ट बनाया है उस सपोर्ट को मार्केट अगर यहाँ पर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर सेल करने का डिसीजन लेगा। तो यहाँ पर जैसे ही बिगिनर ट्रेडर सेल कर देगा तो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत सारा क्वांटिटी एग्जीक्यूट करके यहाँ पर मार्केट को ऊपर लेके जाएगा और उस बिगिनर ट्रेडर जो कि इस मार्केट में हमेशा जो कि यहाँ पर ट्रैप होते रहेगा और यहाँ पर लॉस करते रहेगा। तो आइए अभी समझते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट में किस तरीके से काम करते हैं और आपको मार्केट में किस तरीके से काम करना चाहिए। तो यहाँ पर मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर दो तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले मार्केट में प्रोफेशनल ट्रेडर एक्युमुलेशन करते हैं, यानी किसी लेवल पे माल को खरीदते हैं और फिर उसी लेवल से ऊपर लेके जाके किसी लेवल पे मार्केट को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी उसी माल को प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर बेच देते है। बट मार्केट जब एक्युमुलेशन जोन पे रहता है जहाँ पर मार्केट साइडवेज बिहेवियर करते है तो उसी लेवल पे बिगिनर ट्रेडर परेशान हो जाते है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर सोचते हैं कि मार्केट यहाँ पर जो साइडवेज बिहेवियर कर रहे अगर मार्केट किसी साइड ब्रेक करेगा तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा मोमेंटम करेगा। तो ये चीज तो सही है, बिगिनर ट्रेडर जो सोचा है ये सही है, बट यहाँ पर कौन सी डायरेक्शन पे मार्केट जाएगा ये चीजें बिगिनर ट्रेडर को पता नहीं है। तो यहाँ पर जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट को ब्रेक करते है और बिगिनर ट्रेडर यहाँ पर पोजिशन बनाते है तो ज्यादातर टाइम यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर ट्रैप होते है। तो आपको इस मार्केट में ट्रैप नहीं होना है, आपको हमेशा एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह यहाँ पर सोचना है। जब मार्केट किसी लेवल पे एक्युमुलेशन कर रहा होता है तभी जो कि इस मार्केट में असली खेल होता है। तो इसी लेवल पे ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर समझ जाते हैं कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और हमें कौन सी डायरेक्शन पे ट्रेड करना है। आइए अभी हम एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरीके से समझते हैं और एक्युमुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छी तरीके से समझ के किस तरीके से हम मार्केट में एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एग्जीक्यूट करके यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो यहाँ पर मार्केट अगर ऊपर जाना चाहते हैं तो मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर करेगा और यहाँ पर हर बार सपोर्ट क्रिएट करेगा और मार्केट यहाँ पर सपोर्ट से ऊपर जाएगा फिर यहाँ पर नीचे आएगा
बट यहाँ पर मार्केट जो सपोर्ट बनाया है, इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पर हर बार ब्रेक करेगा, फिर से मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा और नीचे आएगा। यहाँ पर मार्केट जो सपोर्ट बनाया है, इस सपोर्ट को मार्केट यहाँ पर हर बार ब्रेक करेगा। क्यों ब्रेक करेगा? क्योंकि यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल को देख के बिगनर ट्रेडर यहाँ पर लगातार बाय कर रहे, तो उस सभी बिगनर ट्रेडर का यहाँ पर बार बार यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट किया जाएगा और यहाँ पर बिगनर ट्रेडर से यहाँ पर पोजीशन को लिया जाएगा, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर बहुत सारा लाखों क्वांटिटी यहाँ पर मार्केट में ट्रेड करते हैं और मार्केट को यहाँ पर नीचे लेके जाते हैं और उस बिगनर ट्रेडर से यहाँ पर माल को खरीदा लिया जाता है। तो यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर इस लो को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर कुछ न्यू सेलर भी आते हैं, उस सेलर को लगने लगता है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाएगा। बट यहाँ पर मार्केट में जो दिखता है वो कभी नहीं होता है, जो नहीं दिखता है मार्केट में वही होता है। मार्केट में यहाँ पर लोगों को दिखाया जाता है कि मार्केट डाउन साइड जाएगा, बट यहाँ पर जैसे ही मार्केट को आप देखेंगे डाउन साइड जाएगा और आप ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हर बार आप ट्रैप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मार्केट हमेशा अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पर मार्केट सबसे पहले एक डीप लेगा, यानी सभी बिगिनर ट्रेडर का यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस को हिट किया जाएगा, उसके बाद मार्केट यहाँ पर अपसाइड रैली करेगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि मार्केट अगर साइडवेज बिहेवियर कर रहे और मार्केट अगर सपोर्ट को बार बार ब्रेक कर रहे और यहाँ से मार्केट ऊपर जाते हैं तो तब आपको जो कि यहाँ पर सभी बिगनर ट्रेडर का जब स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तब आपको यहाँ पर पोजीशन बनाना है, क्योंकि तब मार्केट यहाँ पर और नहीं रुकेगा, मार्केट यहाँ पर तेजी से ऊपर भागेगा। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से ट्रेड लेना है, तो यहाँ पर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर सपोर्ट बना रहे, सपोर्ट बना रहे, यहाँ पर ऊपर जा रहे, सपोर्ट बना रहे और सपोर्ट को मार्केट ने यहाँ पर हर बार ब्रेक करे और मार्केट ने यहाँ पर सभी लोगों का यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट किया है, फिर यहाँ पर सपोर्ट का ऊपर मार्केट आ गया है, तो तब आपको जो कि यहाँ पर बाय पोजीशन बनाना है और नीचे जो कि छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर नेक्स्ट स्विंग हाई जहाँ से मार्केट ने डाउनफॉल किया है उस लेवल तक जो कि आपको यहाँ पर टारगेट लगाना है। तो अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर कर रहे तो आप B3 पे यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर B1 B2 को आप एक ट्रेलाइन के साथ इस तरीके से जोड़ देंगे। जब मार्केट यहाँ पर B3 पे आएगा तो यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी होता है, तो आप यहाँ पर बाई कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर S1 एंड S2 एंड S3, तो जैसे ही S3 पे मार्केट आता है तो यहाँ पर सेलिंग होता है, तो आपको यहाँ पर S1 एंड S2 को एक ट्रेलाइन के साथ इस तरीके से जोड़ देना है। अगर मार्केट यहाँ पर S3 पे आते हैं तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर साइडवेज बिहेवियर कर रहे, अगर किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहे, ब्रेक करने के बाद ऊपर जा रहे बट वहाँ पर मार्केट फिर रिवर्स होकर नीचे आ रहे, तो तब आप यहाँ पर सेल पोजीशन बना सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर किसी सपोर्ट को ब्रेक कर रहे और ब्रेक करने के बाद अगर ऊपर आ रहे तो तब आपको यहाँ पर बाय पोजीशन बनाना है, क्योंकि यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर को पूरा पूरी ट्रैप किया जा रहा है, तो तब आपको मार्केट में यहाँ पर ट्रेड करना है। जब मार्केट में सभी बिगिनर ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट होता है तभी मार्केट जो कि एक तरफा मोमेंटम करते हैं। अगर मार्केट नीचे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर मार्केट सबसे पहले एक सपोर्ट बनाएगा और एक रेजिस्टेंस बनाएगा, बट यहाँ पर मार्केट जो रेजिस्टेंस बनाया है उस रेजिस्टेंस को मार्केट यहाँ पर ब्रेक करेगा, फिर यहाँ पर नीचे आएगा, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और उस रेजिस्टेंस को मार्केट फिर ब्रेक करेगा। तो यहाँ पर आप सोच लीजिए कि मार्केट यहाँ पर नीचे गिरेगा, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर बार बार प्रोफेशनल ट्रेडर यहाँ पर पोजीशन बना रहे, सेल पोजीशन, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर ब्रेक कर रहे और फिर यहाँ पर वो पोजीशन बना रहे, फिर ब्रेक कर रहे, फिर पोजीशन बना रहे। यहाँ पर जैसे ब्रेक हो रहे तो यहाँ पर बिगिनर ट्रेडर बाई कर रहे एंड कुछ लोग जो कि यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रहे तो सेल कर रहे, तो मार्केट को फिर से ऊपर लेके जाके यहाँ पर उस सभी बिगिनर ट्रेडर का यहाँ पर स्टॉप लॉस को हिट कर रहे। तो यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत सारा क्वांटिटी जो कि इस मार्केट में ट्रेड करते हैं, जब मार्केट कंसोलिडेशन करते हैं या साइडवेज बिहेवियर करते हैं तो मार्केट में यहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेडर अपना पोजीशन को बनाते हैं। तो यहाँ पर जब प्रोफेशनल ट्रेडर को पूरा क्वांटिटी मिल जाता है तभी मार्केट जो कि यहाँ पर मूव करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है मार्केट में आपको कहां कहां पे पोजीशन बनाना है। मार्केट अगर यहां पर किसी सपोर्ट बना रहे और उस सपोर्ट को ब्रेक करके यहां पर नीचे जा रहे, फिर यहां पर रिवर्स होकर ऊपर आ रहे, तो आपको यहां पर बाय पोजीशन बनाना है। अगर मार्केट यहां पर किसी रेजिस्टेंस ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट यहां पर नीचे आते हैं तब आपको यहां पर सेल पोजीशन बनाना है। और मार्केट को यहां पर देखना है कि मार्केट अगर साइडवेज बिहेवियर कर रहे, किसी लेवल को अगर ब्रेक कर रहे और फिर से ऊपर आ रहे तो तब आपको यहां पर बाय पोजीशन बनाना है। किसी रेजिस्टेंस को अगर मार्केट यहां पर साइडवेज बिहेवियर करके ब्रेक कर रहे फिर नीचे आ रहे तब आपको यहाँ पर सेल पोजीशन बनाना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इस वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा हो गया है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।